सो हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम चत्रावत और आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 का क्वेश्चन पेपर महाराष्ट्र बोर्ड। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर पहले अपलोड कर लिए, आप वो भी प्रैक्टिस कर लो। जितने क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करोगे आपके कॉन्सेप्ट उतने स्ट्रांग होते जाएंगे। लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन पेपर बिना टाइम वेस्ट किए, बिकॉज कम समय में मुझे आपके पास अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पेपर अच्छे से अच्छे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है एक सेट दे रखा है 1, 2 से 10 तक खत्म हो रहा है। ये सेट किस टाइप का है? ये सेट है फाइनाइट सेट है क्योंकि कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, उसको समझने के लिए पहले रेशनल नंबर को समझ जाओ। रेशनल नंबर होते हैं डेसिमल के बाद अगर नंबर खत्म हो जा रहा है, जैसे कि 1, 7 उसके बाद कुछ है नहीं, तो दिस इज द रेशनल नंबर। डेसिमल के बाद अगर नंबर रिपीट हो रहे हैं, सेट ऑफ नंबर रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि 5, 1, 3 रिपीट हो रहा है, उसके लिए ऊपर क्या किया हुआ 12 है। 2, 7, 4, 6 रिपीट हो रहा है, उसके ऊपर ये भी क्या है रेशनल नंबर है। ये नंबर देखो, डेसिमल के बाद कोई भी सेट ऑफ नंबर रिपीट नहीं हो रहा, पहले 10 है फिर 100 है फिर 1000 है, तो कुछ भी सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा था, ये हमारा हो गया इरेशनल नंबर। तो ठीक है, दोनों के क्वेश्चन आंसर यहाँ पे मैंने दे रखा है फाइनाइट सेट और ये डी, ये सेकंड वाला का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर क्या होता है? इवन नेचुरल नंबर होते क्या है? 2 से शुरू होते 2, 4, 6, 8, 10, 11, ऑब्वियसली ये खत्म कभी नहीं होगा, दिस इज द इनफाइनाइट सेट। तो ये हो गया हमारा इवन नेचुरल नंबर का सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द ऑर्डर ऑफ सेट्स। ऑर्डर ऑफ सेट लिखना, तो पहले आप यो जो भी दिया है क्वेश्चन 5 ऑफ रूट 12 लिख दिया आपने। अब रूट 12 को आप ब्रेक डाउन करो 4 और 3 में। आपको पता है 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो 4 बाहर निकल के क्या बन जाएगा? 2। 3 अंदर का अंदर रह जाएगा। देखो 3 बाहर नहीं निकल पाया मतलब ये सर्ड है पहली बात तो। और इसका ऑर्डर क्या, देखो स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट मतलब होता है पावर 1/2, तो 2 नीचे आएगा तो ऑर्डर, इसका ऑर्डर ऑफ सर्ड क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। क्यूब रूट होता तो ऑर्डर ऑफ सर्ड क्या हो जाता? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4√10। 4√2 में 10 को आप ब्रेक डाउन अगर करोगे, फैक्टराइज करोगे, तो 5√2 आएगा। देखो 5 और 2 दोनों में से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है। रूट टेन किसके अंदर है? रूट स्क्वायर रूट के अंदर है। स्क्वायर रूट मतलब अगेन ऑर्डर ऑफ सर्ड कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है। यहाँ पे हमें रेशनल नंबर दे रखा है, यहाँ पे 1/√5, इसको हमें रेशनलाइज करना है। तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है? 5। तो ऊपर नीचे आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। 1 √5 हो जाएगा, 5 √5 हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया 5/5। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको सब कुछ यहाँ पे करके दे रखा है और आपको प्रूव करना था कि एन ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए प्लस ऑर्डर ऑफ बी माइनस ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं ये ब्रैकेट मैं कंप्लीट नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको पूरा क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूँ, ये आपने आपसे कर लेना, बहुत ईजी है, यहाँ पे सब लिखा हुआ मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए सेट क्या बताओ? ए सेट हो जाएगा 3, 6, 9, 12, 15, तो ये ए सेट हो गया। बी सेट क्या हो जाएगा? तो ये जो भी बी के अंदर है सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ऑर्डर ऑफ ए मतलब ए के अंदर टोटल कितने एलिमेंट है, यहाँ पे आप काउंटिंग करोगे 5 हो जाएंगे। ऑर्डर ऑफ बी, बी के अंदर कितने एलिमेंट है, यहाँ पे काउंटिंग करोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6। ए यूनियन बी मतलब ए और बी के अंदर के सारे एलिमेंट आने चाहिए, उसमें से कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ए यूनियन बी के अंदर देखो 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है। देखो 6 और 12 एक में लिख चुके हैं हम लोग, तो वापस रिपीट नहीं करेंगे। फिर क्या लिखेंगे? 18, 24, 30 और 36। तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी, टोटल ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है? टोटल है यहाँ पे काउंट करोगे तो 9 एलिमेंट है, ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी मिल गया। ए इंटरसेक्शन बी मतलब इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट कौन से है? 6 और 12, तो 6 और 12 यहाँ पे हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 2 एलिमेंट है, देखो 1, 2, तो ऑर्डर ऑफ ए ये हो जाएगा। आपको प्रूव करना था कि ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी इसके बराबर है, तो आप क्या करो, पहले तो ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी तो आपका आ चुका, कितना आया देखो, ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी 9 आया, करेक्ट है। ऑर्डर ऑफ ए प्लस ऑर्डर ऑफ बी माइनस ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऑर्डर ऑफ ए कितना? 5, बी कितना है? 6, और ए इंटरसेक्शन बी का ऑर्डर कितना है? 2। अगर आप इसको ऐड करके सॉल्व करोगे 9 आ जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी के बराबर होगा। देखो इसका सम ए यूनियन बी के बराबर हो चुका है, मतलब ये हमने वेरीफाई कर दिया कि फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है। ये ब्रैकेट फिल आउट करना कोई बड़ी बात नहीं, मैंने सारे आंसर यहाँ पे दे रखे, फिल आउट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले तो प्लीज़, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब और यहाँ पे बेल आइकन आप क्लिक कर लो। फर्स्ट टारगेट जो मेरा है वो है, टारगेट है 1K का, तो प्लीज़ जितना हो सके पॉसिबल मेरा 1K कंप्लीट कर लो, आपके साथ में मैं अच्छे अच्छे कंटेंट शेयर कर सकूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे दे रखा है आपको 1, 3,
टू सेवन एक सेट दे रखा है, देन राइट द टू सबसेट ऑफ ए, सबसेट लिखना है इसमें से कोई भी जो भी मन चाहे आप एलिमेंट ले लो, जैसे कि ले लिया 1 3, ये इसका सबसेट हो गया, ठीक है, फिर हो जाएगा 3 2 7, ये ए का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, मतलब उस सेट में से छोटे छोटे कुछ एलिमेंट सिलेक्ट करके एक नया सेट बनाना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन एलिमेंट जो बी के अंदर है वो ए के ही होने चाहिए, और ए के अंदर उससे थोड़े कम होने चाहिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है, एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं चलेगा यहाँ पे। अभी 9/11 को आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना, तो 11 से 9 डायरेक्ट डिवाइड नहीं होगा, पहले 0 से करेंगे, 0 आ गया, फिर 9 नीचे आ गया, एक 0 ऊपर से ले लेंगे, 11 8 ज़ा हो जाएगा 88, फिर आ जाएगा 20 वापस, 11 1 ज़ा 11 कितना बच जाएगा 9, फिर से 88, तो ये 8 1 8 1 8 1 चलते जाएगा, मतलब 8 1 बार बार क्या होगा, रिपीट होगा, तो 9/11 का आंसर हो जाएगा 0.18, ऊपर लगा देंगे बार, ऊपर बार क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 8 जो है वो क्या हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा है, इफ m इज एनी सेट देन m यूनियन फाई क्या होगा, फाई का मतलब होता है नल सेट, m यूनियन नल सेट, देखो एक सेट है जो m है और एक नल सेट है जिसके अंदर कुछ नहीं है, आपको पता है जब दो सेट का यूनियन लेते हैं तो दोनों में के एलिमेंट सारे के सारे आते हैं, कॉमन एलिमेंट को हम लोग नहीं लिखते, तो ऑब्वियसली यहाँ के एम के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, नल सेट को एलिमेंट है ही नहीं, तो दोनों का यूनियन करेंगे तो एम ही बचेगा, करेक्ट है ना, क्योंकि सारे के सारे लिखने ही है, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, देखो फाई के नल सेट का मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, और एम के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है मान लो आप लोग, तो फाई के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं, दोनों में कॉमन क्या होगा, कुछ भी नहीं, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, फाई, बात समझ में आ गया। तो इसका आंसर बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, यहाँ पे आपको ये सेट्स दे रखे यूनियन, आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ए सेट दे रखा है और बी सेट दे रखा है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे पूछा था ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या है, ऑब्वियसली 11 देखो यहाँ पे कॉमन है, हो गया, ए यूनियन बी, ए और यूनियन बी के सारे एलिमेंट लिखो, रिपीट कुछ भी नहीं होना चाहिए, देखो 1 लिख दिया, लिख दिया, फिर देखो यहाँ पे 5 है लिख दिया, 8 है 8 लिख दिया, 10 है 10 लिख दिया, 11 देखो दोनों में लेकिन एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 13 है लिख दिया, 15 है लिख दिया, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनको छोड़ के सारे एलिमेंट, उनको छोड़ के सारे एलिमेंट में देखो ये जब भी कॉम्प्लीमेंट आप लिखते हो तो आप क्या करो यूनिवर्सल सेट में कंपेयर करो, ए के एलिमेंट एक भी मत लिखना, यहाँ पे 1 नहीं लिख सकते हैं और 11 नहीं लिख सकते और 13 नहीं लिख सकते, बाकी सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिख दो जो ए के अंदर है वो मत लिखना, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब जो बी के अंदर एलिमेंट है वो मत लिखना, लेकिन बाकी सारे बचे हुए यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिख लेना, जैसे कि देखो ये 8, ये बी के अंदर 8 है हम नहीं लिखेंगे, करेक्ट है ना, फिर बी के अंदर देखो 5 है, ये देखो यूनिवर्सल सेट के अंदर 5 है हम लोग नहीं लिखेंगे, तो मतलब वो एलिमेंट लिखने जो बी के अंदर नहीं है यूनिवर्सल सेट में से, बात समझना। फिर है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब देखो ए यूनियन बी के अंदर नहीं है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए यूनियन बी मतलब उसके एलिमेंट और कॉम्प्लीमेंट मतलब उसके अंदर नहीं है, तो ए यूनियन बी के जितने भी एलिमेंट है उसमें से कोई भी एलिमेंट आपको यहाँ नहीं लिखना है, बाकी सारे बचे हुए यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिख दो, जैसा कि 3 9 और 12, देखो ए यूनियन बी के अंदर नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, देखो ए इंटरसेक्शन बी में क्या है 11, तो 11 छोड़ के आपको यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट यहाँ पे लिख देने हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बढ़ते आगे, शो रूट थ्री ऑन द नंबर लाइन, देखो रूट थ्री को शो करने के लिए आपको पहले पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए, पहले रूट टू बनाना पड़ेगा, रूट टू बनाने के लिए हम लोग ओ बी ले लेंगे 1, बी सी ले लेंगे 1, तो ये पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई होगा, ओ सी का स्क्वायर, देखो ये ओ सी दिख रहा है, हाँ ओ बी दिख रहा है, हाँ बी सी दिख रहा है, हाँ तो ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ बी का वैल्यू 1, बी सी का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 2, ठीक है ना, ओ सी का स्क्वायर है रूट ले लेंगे, ओ सी इज इक्वल टू हो गया रूट 2, तो ये जो लेंथ दिख रहा है ना ये लेंथ ये कितना है रूट 2 है, यहाँ पे आपको कंपास रखना है, वहाँ पे ओ के ऊपर आपको देखो थंब रखना कंपास समझ लो ये, और सी के ऊपर आपको क्या रखना है उसका पेन रखना, और यहाँ से क्या करना है आपको इस तरीके से देखो यहाँ पे ओ पे आपने कंपास रख दिया, यहाँ पे सी पे पेंसिल रख दिया और आपने ये मार दिया, देखो ये एरो दिख रहा है, ये आपने कंपास से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो ये जो ये बना ये देखो ये लेंथ जो मैं दिखा रहा हूँ आपको रूट 2 लिखा हुआ है, लेंथ कितना होगा रूट 2, क्योंकि ये देखो ये रूट 2 है तो ये भी कितना हो जाएगा रूट 2, अब रूट 2 मिल गया, अभी रूट 2 से क्या ले लो आप 1 सेंटीमीटर और ऊपर की तरफ ले लो, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर हमने देखो ज़्यादा लो एग्जाम में आपको शो करना है, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, 1 सेंटीमीटर लेंगे डायग्राम बहुत छोटा बन जाएगा आपका, 1 सेंटीमीटर ले लो वापस ओ और इस पॉइंट को कनेक्ट कर लो, अब यहाँ से आप अभी जब एक आर्क ड्रॉ करोगे ये रूट 3 पे मिल जाएगा, क्योंकि देखो ये रूट 2 है ये 1 है, सब खेल इसका है, ठीक है ना, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, रूट 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको 1 नहीं लिखना है 2 लिखना, मैंने गलती से 1 लिख दिया, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, स्क्वायर रूट लेगा 3, रूट 3, तो ये जो आर्क बना ये रूट 3 का आर्क है, ये जो लाइन है ये रूट 3 की लाइन है, तो यहाँ पे आप कंपास रख के जो आर्क ड्रॉ करोगे ये इस लाइन के ऊपर रूट 3 पे आके क्या हो जाएगा मिल जाएगा, ठीक है ना, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप प्रैक्टिस कर लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है।
अभी यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, 3 ऑफ रूट 12 और 7 ऑफ रूट 15, इसको आपको क्या करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो पहले आप 12 को ब्रेक डाउन करोगे, 12 कैसा ब्रेक डाउन होगा, 2 × 2 × 3, और 15 कैसा होगा, 5 × 3। तो 12 के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा ब्रैकेट, देखो 12 और 15 पहले देखो रूट के अंदर है, दोनों को एक साथ में लिख लो। 12 के जगह पे लिख दूंगा 2 × 2 × 3 और 15 के जगह पे लिख दूंगा 5 × 3। 2 × 2, देखो स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी चीज़ दो बार होती है तो बाहर निकल के कितनी बार हो जाती है, एक बार। तो 2 × 2 देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा बाहर निकल के 2, 3 × 3 बाहर निकल के हो जाएगा 3, और ये 5 जो दिख रहा है आपको रूट के अंदर ही रह जाएगा क्योंकि इसका कोई भाई नहीं है बाहर निकलने के लिए। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लो, 21 × 6 कितना हो जाएगा, 126, रूट 5 हो गया, सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे दे रखा है आपको सेकंड क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग और ये सारी काम कर लो। सेट ए क्या है, देखो सेट ए के अंदर है x y z m n, सेट बी के अंदर क्या, p q r m n, और यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे एलिमेंट, कोई भी रिपीट मत करना, लेकिन x y z m n p q r, ठीक है ना, ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इन हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने 125, उसमें से 80 ड्रिंक टी, 80 स्टूडेंट चाय पीते हैं, 60 स्टूडेंट कॉफी पीते हैं, 20 ड्रिंक टी, ठीक है ना, 80 देखो ड्रिंक टी, आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, 60 ड्रिंक कॉफी, 20 ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, 20 कॉमन है, कॉमन स्टूडेंट है, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन है, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नॉट ड्रिंक टी और कॉफी, कौन से कितने स्टूडेंट है जो टी और कॉफी नहीं पीते। देखो यहाँ पे और लिखा हुआ है, टी और कॉफी, और लिखा हुआ मतलब टी और कॉफी का आपको लेना यूनियन, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक, मतलब यूनियन लेने के बाद आपको उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना पड़ेगा, तो आपको डू नॉट ड्रिंक वाले स्टूडेंट मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो टी पीते कितने 80 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कॉफी पीते कितने 60, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दोनों पीते कितने हैं, दोनों पीते कितने 20 है कॉमन स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक टी और कॉफी वो हो जाएगा ए यूनियन बी का ऑर्डर, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी एंड कॉफी वो हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का ऑर्डर, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले ए यूनियन बी निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे, ये सारे एन ए ऑफ एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन फॉर्मूला पुट करेंगे, 120 हमें यहाँ मिल जाएगा। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए टोटल स्टूडेंट कितने थे 125, उसमें से माइनस कर दो ए यूनियन बी के स्टूडेंट कितने, देखो 120, कितने स्टूडेंट है जो टी और कॉपी दोनों नहीं पीते हैं, तो वो हो जाएंगे टोटल 5 स्टूडेंट, ठीक है। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करना, वापस सेम क्वेश्चन है, देखो ये 125 दिख रहा है आपको, ये 120, देखो 5 और 5 ब्रेक डाउन नहीं होगा, 125 ब्रेक डाउन होगा 5 × 5 × 5 में। अब देखो 5 दो बार है, बाहर निकल के एक बार बच जाएगा, लेकिन अकेला एक 5 रूट के अंदर बच जाएगा। अब देखो रूट 5 को कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 9 4 5, 9 में से 4 गया 5, 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10 रूट 5 हो गया आंसर इसका, ठीक है। इस तरीके से हमने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और बेल आइकन को क्लिक कर लो। आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कॉन्सेप्ट पढ़ाई करने के बाद इस तरीके से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बहुत ज़रूरी है, तो शेयर करो, लाइक करो।